ओके okay, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग विद द फर्स्ट चैप्टर दैट इज नोन एज जो पहला चैप्टर हम लोग को फिजिकल केमिस्ट्री क्लास इलेवेंथ की केमिस्ट्री में पढ़ना होता है उसका नाम है बच्चों मोल कॉन्सेप्ट ठीक है सो लेट अस स्टार्ट विथ मोल कॉन्सेप्ट तो मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने के पहले अगर वेरी ब्रीफली मैं एक बार केमिस्ट्री को डिफाइन करूं कि भाई व्हाट इज केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर ठीक है तो केमिस्ट्री क्या है केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं तो जल्दी से एक बार केमिस्ट्री को हम लोग अगर डिफाइन करें वॉट इज केमिस्ट्री सो केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस ठीक है दैट ब्रांच ऑफ साइंस अभी बच्चे अपने नोटबुक्स में इसको नोट करते रहे ठीक है ऑडियो को ऑफ रखें ड्यूरिंग द क्लास दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ composition of matter ठीक है तो केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जो किससे डील करती है इट डील्स with द स्टडी ठीक है ऑफ composition composition मतलब कोई चीज कैसे बनी हुई है ठीक है जैसे एक क्लासरूम में ट्वेंटी स्टूडेंट्स हैं तो उसमें से दस लड़के हैं और दस लड़कियां हैं तो ये उस क्लास का कॉम्पोजिशन है कैसे वो क्लास बनी है तो उसी तरह से मैटर कैसे बना है ये ब्रांच ऑफ साइंस में जो हम लोग स्टडी करते हैं उसको हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं विद द स्टडी ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर ठीक है अच्छा बच्चों अब मैटर क्या होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है बहुत बेसिक डेफिनेशन है आपने सेवन क्लास में पढ़ा होगा है ना कि मैटर क्या है भाई एनी थिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर कोई भी ऐसी चीज जो कुछ वॉल्यूम रखती है उसका कुछ मास है तो उसको हम लोग मैटर बोलते हैं हमारे आस पास इर्द गिर्द हमें बहुत सारी चीजें दिख रही हैं तुम्हारे हाथ में कॉपी है पेन है मोबाइल या लैपटॉप जिसपे भी तुम क्लास कर रहे हो सभी चीजों का कुछ ना कुछ मास है और कुछ वॉल्यूम है कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो इन चीजों को हम लोग मैटर बोलते हैं ठीक है अब लोगों ने सोचना शुरू किया कि ये मैटर बना कैसे हुआ है वॉट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर जैसे आपके घर में कोई आपको अपने सामने कोई दीवार दिख रही है तो वो दीवार जो है वो बहुत सारे ब्रिक से मिलके बनी हुई है है ना एक 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 एक, एक जोड़ जोड़ के वो दीवार बनाई गई है तो वो ईटे जो है एक तरह से आप सोचो तो दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द वॉल मतलब वो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनसे वो पूरा पूरा दीवार बना हुआ है तो उसी तरह से लोगों ने स्टार्ट करना सोचना स्टार्ट किया कि ये मैटर कैसे बना हुआ है ठीक है तो मैटर के कॉम्पोजिशन को लेकर के बहुत अलग अलग विचार अलग अलग समय पे लोगों ने प्रकट किए ठीक है तो इसमें बहुत ही पुराने जमाने के जो लोग थे उनको साइंटिस्ट तो हम लोग क्या ही बोलेंगे है ना देवर नॉट साइंटिस्ट मतलब ऐसे समझ लो फिलोसफर्स थे है ना जिनके विचार होते थे चीजों के बारे में तो वो मानते थे कि पांच बेसिक तत्व हैं जो इस पूरी दुनिया को बनाते हैं फाइव बेसिक चीजों से पूरी दुनिया बनी हुई है जैसे बचपन में एक सीरियल आता था पता नहीं आपने देखा है कि नहीं शक्तिमान करके उस सीरियल का नाम था तो शक्तिमान में बोलता था भाई शक्तिमान पांच बेसिक तत्वों से बना हुआ है जल वायु अग्नि पृथ्वी है ना तो उसी तरह पुराने जमाने के जो लोग थे वो मानते थे फाइव बेसिक एलिमेंट्स हैं एयर सबसे पहले अर्थ सबसे पहले आया अर्थ एयर ठीक है अर्थ एयर वाटर फायर स्काई जल वायु अग्नि पृथ्वी एक्सेट्रा तो मानते थे कि ये पांच फाइव बेसिक एलिमेंट्स हैं दीज आर द फाइव बेसिक एलिमेंट्स ठीक है विच कॉम्पोज द मतलब विच विच कॉम्पोज एवरीथिंग जो हर 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 एलिमेंट में ये पांच हर हर मैटर uh, में ये पांच बेसिक तत्व है जो पाए जाते हैं पूरी दुन, दुनिया जो है इन्हीं पांच चीजों से मिलकर बनी हुई है है ना जल वायु अग्नि पृथ्वी अब ऑब्वियसली आप, आप समझ रहे हो इतना पढ़े लिखे हो नाइन टेन तक आपने साइंस पढ़ा है तो तो इसमें कोई साइंटिफिक बात तो है नहीं ठीक है अब तुम्हारे हाथ में एक पेन से तुम अभी लिख रहे हो गे बोलूँ की वायु अग्नि दिखाओ मुझे तो तुम कोई एक्सपेरिमेंटली प्रूफ तो उसे कर नहीं पाओगे तो साइंस में कोई भी चीज जो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं की जा सके उसका कोई मतलब नहीं है वो सब क्या है बेकार है ठीक है तो इन चीजों को मतलब ऐसा लोगों का बिलीफ था ऐसा उन लोगों का मानना था बट इसको कोई एक्सपेरिमेंटली एज सच प्रूव नहीं कर पाया तो विद पैसेज ऑफ टाइम ये जल वायु अग्नि पृथ्वी वाली बात जो है वो अपने आप रिजेक्ट हो गई भाई जिसका कोई साइंटिफिक एविडेंस ना हो साइंटिफिक सबूत ना हो उसको एक्सेप्ट हम लोग नहीं करते हैं। तो ये एक बेसिक थ्योरी थी बट विद पैसेज ऑफ टाइम इसको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया ठीक है इसको एक बार आप सभी लोग जल्दी से नोट कर लीजिए जितना मैंने लिखा है तो बात ये हुई कि फाइव बेसिक चीजें हैं लेकिन इनमें कोई एज सच कोई साइंटिफिक एविडेंस इनका नहीं है ठीक है तो मैटर के कॉम्पोजिशन को लेकर के जो पहला साइंटिफिक अटेम्प्ट था कि मैटर कैसे बना हुआ है वो एक साइंटिस्ट थे आई एम श्योर आप सबने उनका नाम सुना होगा उनका नाम था जॉन डाल्टन ठीक है और मैटर को लेकर के पहली थ्योरी साइंटिफिक थ्योरी जॉन डाल्टन नाम के एक साइंटिस्ट ने दी जिन्होंने रखी थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है ना तो जॉन डाल्टन वॉज द फर्स्ट पर्सन आप ऐसे समझिए पहले ऐसे आदमी थे जिन्होंने एटम वर्ड का इस्तेमाल किया और इन्होंने दी अपनी डाल्टन ऑटोमिक थ्योरी जिसके बारे में आपने नाइन टेंथ में सुना होगा और हम लोग उसको अभी पढ़ने जा रहे हैं फिर से एक बार उसके सारे पॉइंट्स हम लोग देखेंगे तो डाल्टन जी ने क्या बोला कि जो भी मैटर है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है जिसे कि हम लोग एटम का नाम देते हैं ठीक है उसे हम लोग नाम देते हैं एटम का तो जॉन डाल्टन वॉज द फर्स्ट पर्सन टू यूज द वर्ड एटम इन्होंने एटम शब्द का प्रयोग पहली बार किया ये जो एटम वर्ड था दिस वॉज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड एक ग्रीक वर्ड से डिराइव था एटोमोस ग्रीक भाषा में एक शब्द होता था एटोमोस दिस इज ग्रीक वर्ड है ना दिस इज ग्रीक ग्रीक भाषा होती है ग्रीस में बोली जाती है ठीक है एक कंट्री है यूरोप में ग्रीस है ना या ग्रीक लैंग्वेज बोल देते हैं इसे दिस इज ग्रीक वर्ड राइट और ग्रीक लैंग्वेज में एटमोज वर्ड का मीनिंग होता है इनडिविजिबल इनडिविजिबल मतलब सब लोग समझते हो बच्चों इनडिविजिबल मतलब जिसका फर्दर डिविजन संभव ना हो तो एटमोज मीनस इनडिविजिबल और एटमोज वर्ड से ही जॉन डाल्टन ने दुनिया वालों के सामने एक वर्ड रखा एटम और इन्होंने बोला कि जो भी मैटर है वो कंपोज है कुछ पार्टिकल से और उन पार्टिकल्स को इन्होंने एटम का नाम दिया और एक थ्योरी दुनिया के सामने रखी जिसे कि हम लोग जानते हैं डाल्ट थ्योरी के नाम से ठीक है तो आइए हम लोग एक एक करके डाल्टनस अटोमिक थ्योरी के पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं कि क्या बात हुई डाल्टन अटोमिक थ्योरी में सो so बिगिन तो सबसे पहला पॉइंट पॉइंट लिखते हैं नंबर तो पहली बार डाल्टन जी ने ये बोली दैट ऑल मैटर ठीक है साथ साथ सब लोग नोट डाउन करेंगे मैं समझाता भी रहूंगा ऑल मैटर कंजिस्ट ऑफ टाइनी इनडिविजिबल टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल्स ऑल मैटर कंजिस्ट ऑफ टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम मतलब जो भी मैटर है हमारे आस पास जो भी मैटर हमें दिख रहा है वो सब मैटर डाल्टन जी ने बोला बहुत ही छोटे टाइनी मतलब छोटे मतलब जिसको फर्दर डिवाइड ना कर सकें ठीक है ऑल मैटर कंजिस्ट ऑफ टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल्स और इन इनडिविजिबल पार्टिकल्स को उन्होंने नाम क्या दिया एटम का सो दिस द फर्स्ट पॉइंट ऑफ थ्योरी राइट तो इसको सब लोग नोट डाउन कर लें सेकेंड पॉइंट उन्होंने बोला द सेकेंड पॉइंट ऑफ डाल्ट्योरी वॉज दैट एटम्स ऑफ Atoms of the same element, atoms of the same element are similar in atoms of the same element are similar, may happen in all respects. है ना इन ऑल रिस्पेक्ट मतलब उनका शेप उनका मास उनका साइज है ना जैसे आपको पता होगा कि भाई बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं लगभग 118 एलिमेंट्स आज की तारीख में जाने जाते हैं है ना उनमें से कुछ कॉमन के नाम आप जानते ही हो हाइड्रोजन हीलियम कॉपर कार्बन जिंक आयरन ये सब कुछ एलिमेंट्स हैं तो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट दैट इज शेप मास साइज एटसेट्रा ठीक है ये साइज लिखा है शेप मास साइज एटसेट्रा तो पहली बात उन्होंने बोली कि मैटर कंजिस्ट ऑफ बहुत छोटे छोटे पार्टिकल कॉल्ड एटम और जैसे फॉर पहले इस बात का मतलब क्या है कि जैसे सपोज करो तुम्हारे पास कोई कॉपर की रॉड है तो डाल्टन जी बोल रहे हैं कि वो कॉपर की रॉड जो है वो बहुत छोटे 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 कॉपर के एटम से बनी हुई है ठीक है या आयरन की रॉड है तो वो आयरन की रॉड बहुत छोटे 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 आयरन के एटम से बनी हुई है नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने दुनिया के सामने क्या रखा कि उस कॉपर की रॉड में जितने भी कॉपर के अलग 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 एटम्स हैं उन सब का शेप साइज मास जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सब सेम है मतलब एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट शेप साइज मास एटसेट्रा ठीक है तो इन दोनों पॉइंट्स को नोट करिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अबाउट द थर्ड पॉइंट ऑफ डाल्ट थ्योरी थर्ड पॉइंट था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर ठीक है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर तो दूसरा पॉइंट था कि सेम एलिमेंट के ऐटम एक जैसे हैं और अलग अलग एलिमेंट के एटम अलग अलग हैं जैसे कॉपर के जितने एटम है वो सब एक जैसे आयरन के जितने एटम है वो सब एक जैसे लेकिन आयरन और कॉपर का एटम सेम नहीं है वो अलग अलग है है ना ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट आर फ्रॉम वन अनदर दिस वाज़ द थर्ड पॉइंट ऑफ थ्योरी द फोर्थ पॉइंट ऑफ थ्योरी वॉज दैट एटम्स कैन एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड मतलब एटम्स को तुम बना भी नहीं सकते हो और बिगाड़ भी नहीं सकते हो कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed okay can neither be created nor be destroyed this was the fourth point <clears throat> and the finally the fifth point of dalton's atomic theory was that atoms of same or different elements ठीक है सेम एलिमेंट के या अलग अलग एलिमेंट के एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियोज इन सिंपल होल नंबर होल नंबर रेशियोज टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स एटम्स जो है वो आपस में कंबाइन करते हैं अच्छा क्यों कम कंबाइन करना मतलब जुड़ जाते हैं कैसे जुड़ जाते हैं क्यों जुड़ जाते हैं इसके पीछे की क्या थ्योरी है ये सब तो बच्चों देखो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में पढ़ेंगे थोड़ा मोड़ा तुमने तो सुना होगा आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है ना ऑक्टेट ये सब कुछ कुछ नाम नाइन टेंथ तक सुना होगा बट अभी हमें उसकी जरूरत नहीं है हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में पूरा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर जो है पच्चीस तीस क्लास का पूरा डिटेल में इनडेप एकदम पढ़ाया जाएगा तो उसमें यही सब डिस्कस होगा कि तो तो और और स्टडी लेटर इन सिंपल होल नंबर रेशियोज टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ठीक है तो ये डाल्टन जी का फिफ्थ पॉइंट था कि सेम एलिमेंट का या अलग अलग एलिमेंट का आप सेम एलिमेंट का या अलग अलग एलिमेंट का एटम आपस में जुड़ करके मॉलिक्यूल बना देता है ठीक है तो एक बार आप इसको नोट करिए फिर मैं इन पॉइंट्स को कुछ और थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं तो आइए हम लोग इस बात का मतलब और समझते हैं कि एटम्स कंबाइन कर रहे हैं सिंपल होल नंबर रेशियोज में अच्छा होल नंबर तो आई होप सब लोग समझते होंगे होल नंबर मतलब भाई जैसे जीरो वन टू थ्री फोर डॉट 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 ये सब जो है वो क्या है होल नंबर्स हैं भाई होल नंबर का बेसिकली यहाँ पे कहने का बस इतना सा मतलब है कि फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए 1.5 1.75 डेढ़ पौने दो सवा चार साढ़े तीन ये सब नहीं होना चाहिए ये सब होल नंबर नहीं होते हैं तो देखिए डाल्टन जी ने पांचवें पॉइंट में अपनी कॉपी में देखिए क्या बोला कि एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियोज टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, ठीक है मतलब एटम्स आपस में जुड़ते हैं और जुड़ के वो मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं ठीक है सेम के भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल थोड़ा बहुत बेसिक सी बात है थोड़ा सा ऐटम और मॉलिक्यूल में वैसे आई एम श्योर sure सबको पता होगा जैसे मैं एच लिखता हूँ तो इसका मतलब हाइड्रोजन का एटम हुआ लेकिन अगर मैं एच टू लिखता हूँ तो इसका मतलब हाइड्रोजन का मोलिक्यूल हुआ इस एक मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन के एटम है अगर मैं ओ लिखूं तो इसका मतलब ऑक्सीजन का एटम लेकिन अगर मैं ओ टू लिखूं तो इसका मतलब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इसके एक मॉलिक्यूल में दो ऑक्सीजन के आइटम है वो दोनों जुड़ गए क्यों जुड़ गए ये तो आगे पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में ठीक है तो इसी तो यहां पे क्या हो रहा है देखो इस मॉलिक्यूल में दोनों एटम सेम एलिमेंट के हैं इस मॉलिक्यूल में दोनों एटम्स सेम एलिमेंट के हैं लेकिन कुछ और बड़े कॉमन मॉलिक्यूल्स हैं आई एम श्योर सबको पता होगा जैसे वाटर की बात की जाए तो वाटर का फॉर्मूला बच्चों सबको पता होगा H2O होता है तो ये पानी का एक मॉलिक्यूल है और इसमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का एटम है जुड़ गया है आपस में इसी तरह से मान लो मैं बात करूं सल्फ्यूरिक एसिड की ठीक है सल्फ्यूरिक एसिड तो आई एम श्योर आप सबको सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला पता होगा सल्फ्यूरिक एसिड होता है एच टू एस ओ फोर ठीक है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल है इसमें दो हाइड्रोजन एक सल्फर और चार ऑक्सीजन के एटम्स हैं ठीक है थीके? इतना नोट करो एक बार जल्दी से ठीक है तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला जब हम लोग एच टू फोर लिख रहे हैं तो इसमें दो हाइड्रोजन एक सल्फर और चार ऑक्सीजन के एटम्स हैं ठीक है थीके? इसी तरह कुछ और सिंपल मॉलिक्यूल्स की बात करें तो अमोनिया का फॉर्मूला एन थ्री होता है तो इसमें एक नाइट्रोजन और तीन हाइड्रोजन के आइटम है तो यही डाल्टन जी ने बोला है कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम्स होते हैं वो हमेशा बच्चों होल नंबर्स होते हैं जैसे यहां पर दो हाइड्रोजन एक सल्फर और चार ऑक्सीजन है या एक नाइट्रोजन और तीन हाइड्रोजन है आपने आई एम वेरी श्योर कि ऐसा कोई कंपाउंड आज तक नहीं सुना होगा H1.5 और O2.25। ऐसे किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मूला देखा है क्या नहीं ऐसा कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है एच डेढ़ तो भी फॉर्मूले में जो नंबर ऑफ एटम्स होता है वो हमेशा एक होल नंबर होता है वो फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है डेढ़ पौने दो सवा तीन साढ़े चार ये नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता क्योंकि हमने पहले पॉइंट में बोला है कि एटम इनडिविजिबल है मतलब उसका फर्दन विभाजन संभव नहीं है तो कभी भी एटम लेने होंगे तो या तो एक एटम होगा या तो दो होगा या तो तीन होगा या तो चार होगा 1.5 पॉइंट फाइव और वन और 2.25 ये नहीं हो सकता है भाई जैसे मुझसे कोई पूछे कि अभी क्लास में कितने बच्चे हैं तो मैं बोलूंगा नौ बच्चे हैं या दस बच्चे हैं या ग्यारह बच्चे हैं या बीस बच्चे हैं या पचास बच्चे हैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा साढ़े नौ बच्चे क्लास कर रहे थे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कभी भी होल नंबर सॉरी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है वो हमेशा क्या होगा होल नंबर ही होगा तो उसी तरह से जो एटम्स का नंबर है वो हमेशा क्या होगा होल नंबर ही होगा और किसी भी मॉलिक्यूल के फॉर्मूले में तुम्हें हमेशा होल नंबर ऑफ एटम्स ही दिखाई देंगे ठीक है और सिंपल वर्ड का मतलब है छोटा छोटा नंबर तो डाल्टन जी की थ्योरी ऐसा तो है नहीं कि भाई अभी कल कल ही इन्होंने दी है ये तो इन्होंने 200-300 साल पहले दी थी ठीक है तो उस समय जो ये मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते थे वो मॉलिक्यूल्स बहुत सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल्स बेसिक मॉलिक्यूल्स होते थे तो उनमें छोटे छोटे नंबर ऑफ एटम्स ही पाए जाते ठीक है तो ये सभी पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन है इतना आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा दो मिनट का वैसे हम लोग अगर करंट डे साइंस के हिसाब से बात करें तो डाल्टन अटोमिक थ्योरी के पॉइंट्स सारे के सारे वैलिड नहीं है ठीक है मतलब ये पॉइंट गलत साबित हो चुके हैं आज की तारीख में कुछ हद तक लेकिन शुरुआत करने के लिए जहां से साइंस की शुरुआत हुई एटम वर्ड आया तो हम लोग अपनी पढ़ाई यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी केमिस्ट्री की पढ़ाई में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इन सब पॉइंट्स में कहीं कहीं कुछ कुछ प्रॉब्लम आएगी है ना जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने अगर वर्ड सुना हो आइसोटोप तो आइसोटोप क्या होते हैं सेम एलिमेंट के होते हैं लेकिन मास अलग अलग होता है तो उसकी वजह से ये सेकेंड पॉइंट जो है वो शक के दायरे में आ गया भाई डाल्टन जी ने क्या बोला था कि सबका मास सेम है सबका सब कुछ सारी प्रॉपर्टी सेम है लेकिन आइसोटोप होता ही यही है दे आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास तो दिस पॉइंट वॉज प्रूव्ड रॉन्ग इस पॉइंट को गलत साबित कर दिया गया आइसोटोप्स की डिस्कवरी के बाद ठीक है उसी प्रकार से आइसो बार का तुमने नाम सुना होगा अच्छा अगर नहीं सुना है तो चिंता मत करना ये सब आगे आएगा अभी मैं जस्ट तुम्हें बता दे रहा हूं उसका रीजन ये है कि ऐसा नहीं हो कि तुम इस थ्योरी को बहुत ज्यादा दिल से लगा के बैठ जाओ कि बाद में मैं बोलू आइसोटोप करके कुछ होता है तो तुम उस समय मुद्दा खड़ा करो कि नहीं सर आप तो वहां बोले थे एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट तो मैं तुम्हें पहले से ही ये बात अलर्ट कर दे रहा हूँ सचेत कर दे रहा हूँ इस बात को लेकर के कि ये पॉइंट डाल्टन जी ने 400 साल पहले दिए हैं आज के नहीं है तो उस समय की साइंस में तो ये रेलेवेंट थे लेकिन क्या है भाई? आती जा रही है तो जैसे नए नए पता चलते रहते हैं पुराने वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कार्ड करते रहते तो यहां से शुरुआत हुई थी एटम वर्ड उन्होंने पहली बार इस्तेमाल किया था तो उन्हीं को सम्मान देने के लिए हम लोग डाल्टन थ्योरी पढ़ते मतलब ठीक है आइसोबार की खोज हुई आइसोबार क्या होता है अलग-अलग एलिमेंट -अलग लेकिन मास सेम होता है तो ये क्या बोल के बैठे हैं डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर लेकिन आइसोबार क्या होता है डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास तो ये सब बातें आगे आएंगी एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड तो uh, 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी की रिएक्शन डिस्कस करी आपने एक बड़ी फेमस आइंस्टाइन की मास एनर्जी रिलेशनशिप सुनी होगी ईज इक्वल टू एमसी स्क्स का मास का डिस्ट्रक्शन होता है ठीक है तो जितनी भी न्यूक्लियर फ्यूजन न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं इसमें मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है तो ये सब पढ़ेंगे आगे चल के है ना अभी से परेशान नहीं होना है इसको लेकर के डाल्टन जी के ये पॉइंट है लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती है उसमें एटम बनाए भी जा सकते हैं और बिगाड़े भी, भी जा सकते हैं तो ये सब कुछ बातें थी उनकी करेंट डे साइंस के हिसाब से सभी पॉइंट बहुत ज्यादा वैलिड नहीं है लेकिन ही वॉज द फर्स्ट वन टू यूज द वर्ड एटम ठीक है और कुछ उन्होंने साइंटिफिक प्रयास किया तो इसलिए हमने उनको सम्मान देने के लिए डाल्टन सटोमिक थ्योरी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी ठीक अब आता है अगला पॉइंट अब तुम खुद समझो कि डाल्टन जी ने इतनी बार दुनिया के सामने एटम 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 वर्ड यूज किया है ना कि जो भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल एटम से बना हुआ है Atoms of the same element are similar in all respect. Atoms of different element are different. ये सब एटम ऐटम डाल्टन जी ने बहुत बार दुनिया के सामने बोला ठीक है तो नेचुरली जो बाकी दुनिया वाले थे उन्होंने डाल्टन जी से क्या सवाल किया होगा उन्होंने डाल्टन जी से सवाल किया कि भाई चलो इस एटम के बारे में कुछ और बताओ क्या है ये ऐटम चलो ठीक है मान लिया तुम्हारी बात की दुनिया ऐटम से बनी हुई है बट इस एटम के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन दो कुछ और जानकारी दो टू स्पीक ठीक है तो अब एटम के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन जैसे एटम लगता कैसा है देखने में कैसा लगता है या इसी को और साइंटिफिक लैंग्वेज में मैं बोलूं तो एटम का स्ट्रक्चर कैसा है तो एटम का स्ट्रक्चर कैसा है बच्चों ये तो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में जब हम लोग अटोमिक स्ट्रक्चर में पहुंचेंगे ठीक है लेकिन फिलहाल इस चैप्टर में हम इंटरेस्टेड हैं एटम को हम लोग लगातार क्या बोल रहे हैं एक पार्टिकल बोल रहे हैं ठीक है एटम को एक पार्टिकल बोला गया और एटम अगर एक पार्टिकल है तो हर पार्टिकल की एक बहुत बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है वो होती है उसका मास ठीक है तो इस चैप्टर में हम लोग एटम का स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है एटम के स्ट्रक्चर में हम लोग अगले चैप्टर में इन्वॉल्व होंगे इस चैप्टर में हम लोग एटम का मास पढ़ने में इंटरेस्टेड है ठीक है और इसी सीरीज में जो पहली काम की चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसको बोला जाता है द रिलेटिव अटोमिक मास ठीक है दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन विच वी आर गोइंग टू स्टडी रिलेटिव अटोमिक मास शॉर्ट फॉर्म में बच्चों इसे हम लोग आर ए एम भी बोलते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज आर ए एम रिलेटिव तो मास समझते हैं अब अच्छे से कि क्या होता है रिलेटिव अटोमिक मासिक मास क्लियर हो रहा है मतलब atom का mass. और रिलेटिव ये वर्ड जब भी साइंस में आए तो इसका मतलब होता है किसी चीज के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मतलब तुलना करना ठीक है तो रिलेटिव अटोमिक मास पढ़ाने के पहले मैं एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल तुम्हारे सामने लेता हूं मान लो कि एक क्लास में सौ बच्चे हैं सौ बच्चों सबकी अलग अलग हाइट है है ना अब हमको उन सब की हाइट्स की कोई कंपैरेटिव स्टडी करनी है तो ऐसे तो हम लोग हाइट नाप सकते हैं चार फुट का है पांच फुट का है छह फुट का है लेकिन मान लो हमको हाइट नापने की जो लेंथ नापने की यूनिट है वो कोई यूनिट हमको नहीं आती हम लोग एकदम अनपढ़ गवार लोग हैं ठीक है तो मीटर सेंटीमीटर फीट इंच ये सब हम कुछ नहीं जानते हैं फिर भी हमको एक दूसरे की हाइट स्टडी करनी है तो हम ऐसे केस में क्या कर सकते हैं कि कोई एक बच्चा है लेट से वो सबसे छोटा है उसकी हाइट सबसे कम है ठीक है मान लो उसका नाम है छोटू तो हम क्या करें कि उस बच्चे को अपना रेफरेंस मान लें उसको हमने अपना एक अपना पैरामीटर मान लिया ठीक है मतलब क्या हुआ इस बात का कि आज से हमने ऐसा बोल दिया कि छोटू की जितनी हाइट है जो भी छोटू की हाइट है उसको हमने बोल दिया वन छोटू ठीक है छोटू की लंबाई को नाम दे दिया वन छोटू तो अब जिसकी लंबाई टू छोटू है मतलब वो छोटू से दो गुना लंबा है जिसकी लंबाई तीन छोटू है वो छोटू से तीन गुना लंबा है तो छोटू के रिस्पेक्ट में सबकी हाइट हमने स्टडी कर ली तो इसी टाइप का कुछ काम हम लोग करते हैं रिलेटिव अटोमिक रिलेटिव अटोमिक मास क्या होता है एक बार आओ उसे डिफाइन करते हैं हम लोग फिर और समझते हैं तो रिलेटिव अटोमिक मास Yeah RAM is defined as definition note down Korea is defined as the mass of one atom of an element with respect to the mass of वन एटम ऑफ हाइड्रोजन क्योंकि एटम की दुनिया का छोटू कौन है एटम की दुनिया का छोटू हाइड्रोजन है भाई हाइड्रोजन सबसे सिंपलेस्ट एलिमेंट है सबसे कम मास का होता है तो रिलेटिव एटोमिक मास में हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी एलिमेंट के एक एटम के मास को हाइड्रोजन एटम के मास की तुलना में स्टडी कर लेते हैं ठीक है थीके? तो अगर बच्चों हम लोग आर एम का फॉर्मूला लिखें तो फॉर्मूला फॉर आर एम विल बी इक्वल्स टू द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय द मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन दिस इज हाउ वी डिफाइन आर एम किसी भी एलिमेंट के एक ऐटम का मास अपॉन हाइड्रोजन के एक ऐटम का मास ठीक है और जितने भी अलग अलग एटम्स हैं जितने भी अलग अलग एटम्स हैं ना बहुत सारे एलिमेंट हैं, हीलियम है ना बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन सोडियम मैग्नीशियम एलुमिनियम फॉस्फोरस ठीक है ये सब कुछ कुछ एटम्स के मैंने नाम लिए तो इन सभी एटम्स का अपना खुद का एक आरएम वैल्यू होता है ठीक है वो हमें याद नहीं करना है क्वेश्चन में दिया रहेगा बट वो बात कुछ और है कि पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है इतने सारे क्वेश्चन में आपको करवाऊंगा बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा तो वो आरएम याद ही हो जाता है बेसिकली बट ऑफिशियली याद नहीं करना है ठीक है तो आगे बढ़ने के पहले एक छोटा सा पॉइंट हम लोग आर के बारे में समझ लें पॉइंट ये है कि बच्चों देखो आरएम में हम लोग मास अपॉन मास कर रहे हैं तो मास अपॉन मास कर रहे हैं तो आई एम श्योर कि ये बात हर एक बच्चे को समझ में आएगी कि आर एम इज अट लेस क्वांटिटी आर एम इज अट लेस क्वांटिटी ठीक है मतलब आरएम की सॉरी आर एम की कोई यूनिट नहीं होती है इज यूनिटलेस क्वांटिटी है ना इट इज जस्ट अ प्योर इज आर एम नंबर मतलब सिर्फ एक नंबर होता है एक संख्या होती है उसकी कोई यूनिट नहीं होती है ठीक है इतना सब लोग नोट करो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कुछ एटम्स का आर एम का वैल्यू बताऊं है ना विच यू आर नॉट सपोज टू रिमेम्बर तो जैसे हीलियम एक एटम होता है ठीक है तो हीलियम का नाम तो सभी ने सुना होगा भाई सिंबल होता है एच ई e. तो हीलियम का बच्चों आर एम है चार या फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं लिथियम की तो लिथियम का आर एम है सेवन अब हीलियम का आर एम जब चार है या लिथियम का आर एम जब सेवन है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये सिंपली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हीलियम का एक एटम हाइड्रोजन एटम की तुलना में चार गुना ज्यादा भारी है इट इज फोर टाइम्स है ठीक है मतलब हाइड्रोजन के एटम का मास यदि x होगा तो हीलियम का मास 4x होगा और लीथियम का मास 7x होगा ये वैसी बात है कि किसी की हाइट चार छोटू है तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो छोटू से चार गुना ज्यादा लंबा है उसी तरह हीलियम का आरएम चार है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हीलियम हाइड्रोजन की कंपैरिजन में फोर टाइम्स ज्यादा भारी है टाइम्स ज़्यादा भारी है इसी तरह बहुत सारे एलिमेंट होते हैं सबका अपना अपना आरए एम है जो सही समय पर मैं आपको बताता रहूंगा जब जो जो जरूरत पड़ेगी अभी तो क्या है बस आप आरएम का मीनिंग समझ लो ठीक है चलो भाई तो ये तो बात हो गई आर एम की डेफिनेशन की अब हम लोग थोड़ा सा आरएम को और एनालाइज करते हैं और डिटेल में समझते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है कि हीलियम का एटम हाइड्रोजन से चार गुना ज्यादा भारी है क्यों वाई या लिथियम सात गुना ज्यादा भारी क्यों है इसका कारण क्या है इसका लॉजिक क्या है ठीक है तो आर की डेफिनेशन को हम लोग और इन डेप्थ में एनालाइज करते हैं अभी तो हमने आर का बस डेफिनेशन देखा है उसका और मीनिंग समझते हैं थोड़ा ठीक है और एनालाइज करते हैं मांस को तो इसको एनालाइज करने के लिए हम लोग थोड़ा सा एटम के स्ट्रक्चर को यूज करेंगे ऑल्दो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है अभी बट आई एम श्योर कि थोड़ा-मोड़ा इतना तो सभी को मालूम होगा कि किसी भी एटम में क्या होता है एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है किसी भी एटम में इतना तो सब लोग बच्चे जानते हो ठीक है और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और बाहर के सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन ऑडियो अभी ऑफ रखो क्लास में तो बाहर के सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इतना सब लोग जानते हैं ठीक है तो इसी नॉलेज का यूज करके हम लोग आरएम का और मतलब समझने जा रहे हैं तो ये है एक छोटा सा न्यूक्लियस ठीक है इस न्यूक्लियस के अंदर किसी भी एटम में ऐसा होता है एनी एटम है ना किसी भी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ठीक है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के लिए प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के लिए एक कॉमन नाम भी इस्तेमाल होता है उनको हम लोग न्यूक्लिऑन्स भी बोलते हैं दे आर आल्सो नोन एज न्यूक्लिऑन्स ठीक है न्यूक्लिऑन्स क्यों क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं तो उसी से ये शब्द आया न्यूक्लिऑन्स मतलब प्रोटॉन को भी न्यूक्लिऑन बोल सकते हो और न्यूट्रॉन को भी न्यूक्लिऑन बोल सकते हो मतलब बात कुछ इस प्रकार की है कि एक क्लासरूम में 10 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं मान लो तो मैं दस लड़के हैं और दस लड़कियां हैं ये बोलने की बजाय ट्वेंटी स्टूडेंट्स हैं ये भी तो बोल सकता हूं ना स्टूडेंट वर्ड तो दोनों के लिए कॉमन है लड़का भी स्टूडेंट है लड़की भी स्टूडेंट है क्लासरूम में उसी तरह न्यूक्लियॉन शब्द न्यूक्लियॉन शब्द प्रोटॉन के लिए भी इस्तेमाल होता है और न्यूट्रॉन के लिए भी इस्तेमाल होता है जैसे कोई न्यूक्लियस अगर है उसमें आप मान लीजिए आठ प्रोटॉन हैं और आठ न्यूट्रॉन है तो इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस यू कैन ऑल्सो से सोला न्यूक्लियॉन्स आठ प्रोटॉन एंड आठ न्यूट्रॉन मीन्स सिक्सटीन न्यूक्लियॉन्स बिकॉज न्यूक्लियॉन्स इज कॉमन फॉर बोथ ऑफ देम, ठीक है? <clears throat> तो ये बात हो गई ये जो बाहर के सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं इनमें बच्चों प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो इन द आउटर ऑर्बिट्स आर फाउंड इलेक्ट्रॉन्स ठीक है तो ये एक बहुत सिंपल सी बेसिक बात है जो आई होप आप सबको पता होगी अच्छा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आपके साथ मैं कुछ एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं ठीक है तो एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन ये है कि मास ऑफ ठीक है मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन अभी मैं बता रहा हूं आगे से इसको सब लोग याद रखोगे फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों जगह यूज होगा एक न्यूक्लियन का मास जो है वो होता है पावर माइनस माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम दिस इज द मास ऑफ वन न्यूक्लियन एक्सपेरिमेंटली आता है हमें याद करना है एक न्यूक्लियॉन का मास 1.66 पावर माइनस ट्वेंटी ग्राम है न्यूक्लियॉन कौन है जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है ठीक है दिस इज न्यूक्लियस. जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाए वो न्यूक्लियॉन तो दिस इज द मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन और अगर मैं तुमको मास ऑफ एक मिनट रुको मैंने एक न्यूक्लियॉन का मास बताया और अगर मैं तुम्हें मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बताऊं तो एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो होता है ये भी एक्सपेरिमेंटल डेटा है ध्यान रखना है वो होता है नाइन पॉइंट वन इंटू टेन रेज टू दावर माइनस ट्वेंटी एट ग्राम ठीक है तो ये एक न्यूक्लियॉन का मास है और ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है अच्छा इन मासेस को चाहो तो तुम केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हो ठीक है अगर कन्वर्जन आता है तो अच्छी बात है नहीं आता है तो मैं आगे सिखाऊंगा चिंता मत करना उसकी ठीक है तो जैसे केजी में कन्वर्ट करोगे ग्राम को केजी में करने के लिए क्या करोगे भाई थाउजेंड से डिवाइड कर दोगे है ना ऐसा सब बच्चे जानते होंगे कि वन के जी इज इक्वल टू वन थाउजेंड ग्राम ठीक है कहीं भी किलो आ जाए के मतलब होता है किलो और किलो का मतलब होता है एक हजार वन थाउजेंड ठीक है तो वन के जी वन किलोग्राम मतलब एक हजार ग्राम उसी तरह से वन किलोमीटर मतलब एक हजार मीटर किलो इज प्रीफिक्स, ठीक है तो इसी तरह से मैं आगे चल के तुम्हें बहुत सारे प्रीफिक्सिस का मतलब बताऊंगा ठीक है तो फिलहाल किलो मतलब होता है एक हजार टेन की पावर थ्री टेन की पावर थ्री को किलो बोलते हैं तो अब सपोज करो कि ये मास ग्राम में है तो ग्राम को अगर किलोग्राम में करना है तो ऐसे सोच सकते हैं ना बच्चों की वन ग्राम इज इक्वल्स टू वन अपॉन थाउजेंड किलोग्राम इस हजार को इधर ले आओ ये जो हजार दिख रहा है इसको इस साइड ले आओ तो ये बन जाएगा वन ग्राम इज इक्वल्स टू वन बाय थाउजेंड किलोग्राम तो ग्राम को अगर केजी में कन्वर्ट करना है तो हजार से डिवाइड करना पड़ेगा ठीक है तो यहीं पर अगर मैं एक बार मास ऑफ वन न्यूक्लियन को जस्ट तुम्हें तो थोड़ी सी मैथ सिखा रहा हूं ताकि तुम कंफर्टेबल फील करो मास ऑफ़ वन न्यूक्लियन को अगर मैं के जी में लिखूं तो के जी में कितना हो जाएगा इसको थाउजेंड से डिवाइड करोगे तो थाउजेंड से डिवाइड करोगे तो यह आ जाएगा वन पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू टेन रेस टू दावर माइनस ट्वेंटी सेवन के जी ठीक है और मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर बात करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो जाएगा के जी में अगर निकालना है तो ये तो ग्राम में मैंने बताया है इसको हजार से डिवाइड करोगे तो हजार से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा नाइन पॉइंट वन इंटू टेन रेस टू दावर माइनस थर्टी वन के जी ठीक है तो इसको एक बार नोट करिए हाँ तो मुझे ये बताओ कि ये जो न्यूक्लियन का मास है और ये इलेक्ट्रॉन का मास है मैंने तुम्हें एक न्यूक्लियॉन का मास बताया और एक इलेक्ट्रॉन का मास बताया क्या ये न्यूक्लियॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का मास ये दोनों सेम है क्या बिल्कुल नहीं कहीं दूर दूर तक सेम नहीं भाई ये टेन की पावर माइनस चौबीस है ये टेन की पावर माइनस है तो सेम तो नहीं है अच्छा किसका मास ज्यादा है क्लियरली अगर तुम्हें मैथ्स आती है थोड़ी मोड़ी भी तो तुम्हें ये बात, बिल्कुल तो तुम्हें ये बात समझ में आनी चाहिए कि टेन की पावर माइनस चौबीस वाली जो वैल्यू है ये टेन की पावर माइनस अट्ठाइस से ज्यादा बड़ी है in fact, in fact, अगर मैं एक रफ कैलकुलेशन है ना एक रफ कैलकुलेशन करूं मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन ठीक है एक रफ कैलकुलेशन करूं मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन अपॉन मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ठीक है तो जो न्यूक्लियॉन का मास है वो टेन की पावर माइनस चौबीस के रेंज में है पहले 1.66 भी है लेकिन उसको मैंने इग्नोर कर दिया एक बार के लिए मैं अंदाजन कैलकुलेशन कर रहा हूं टेन की पावर माइनस चौबीस ग्राम के आसपास है और बच्चों जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो 10 की पावर माइनस अट्ठाईस ग्राम के आसपास है नाइन को छोड़ दें तो तो इस वैल्यू को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू सॉल्व करने पे आएगी टेन रेस टू पावर फोर और टेन रेस टू पावर फोर का मतलब हो गया दस हजार यानी कि द मास वन न्यूक्लियॉन इज रफली ठीक है द मास वन न्यूक्लियॉन इज रफली टेन थाउजेंड टाइम्स दस हजार गुना ज्यादा है किससे एक इलेक्ट्रॉन के मास से थोड़ा मोड़ा नहीं ज्यादा है दस हजार गुना ज्यादा है ठीक है तो अब देखो इस चीज को हम लोग यूज कैसे करेंगे ठीक है हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि एटम के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस है और बाहर के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियॉन्स ठीक अब जब हम लोग आर की डेफिनेशन लिखते हैं तुम्हें फिर से लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने एक बार लिखी हुई है तो आर की डेफिनेशन लिखते हैं तो उसमें आता है मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट आरएम की डेफिनेशन में हम कर क्या रहे थे हम आरएम का और मीनिंग समझ रहे हैं अपॉन मास ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन यही आता है आर एम की डेफिनेशन में ठीक है तो हमको किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास लिखना है ठीक है अब मुझे अगर एटम का मास लिखना है तो एटम के अंदर पाए जाते हैं न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ठीक है तो अगर मैं न्यूक्लियॉन्स का मास प्लस इलेक्ट्रॉन्स का मास जोड़ ऐड कर दूं, तो इस पूरे एटम का मास आ जाना चाहिए एक बहुत कॉमन सेंस की बात है मैं टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्लस टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर करूं तो उससे मेरे पास एटम का मास आ जाना चाहिए ठीक है अब मैं तुमसे एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं वेरी लॉजिकल क्वेश्चन है ना फिर हम इस एटम पे आएंगे मान लो कि मुझे एक हाथी का मास निकालना है आई हैव एन एलिफेंट ठीक है उसका मास मुझे निकालना है तो हाथी को बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने कोई बड़ी सी वेइंग मशीन बनाई जैसे ट्रक वक का मास निकालते हैं ना कंप्यूटराइज्ड वेइंग होती है तो बड़ी सी एक वेइंग मशीन बनाई और आठ दस लोगों ने मिल करके किसी तरह से उस हाथी को उस वेइंग मशीन पर चढ़ाया मुश्किल काम है ऐसा हाथी हमारी बात तो सुनता नहीं है तो मान लो रीडिंग आई कुछ चार हजार किलो की रीडिंग आई मान लो हाथी का मास चार हजार किलो था ठीक लेकिन जब हम लोग रीडिंग लेकर वापस आ रहे थे तो हमने देखा कि हाथी के कान पर एक छोटा सा मच्छर बैठा हुआ है ठीक है तो क्या हम लोग परेशान हो जाएंगे क्या कि अरे नहीं सर ये तो गलत मास आ गया आप तो हाथी का मास निकालने के लिए बोले थे लेकिन हाथी पर मच्छर बैठा है तो ये तो मास ऑफ हाथी प्लस मास ऑफ मच्छर आया है हमको एक्सपेरिमेंट फिर से करना पड़ेगा ऐसा कोई बच्चा करेगा क्या बताओ भाई इसका जरा जवाब दो इस क्वेश्चन का ऑडियो ऑन करके थोड़ी देर नहीं सर क्यों नहीं करोगे काज मास ऑफ वाले के बराबर होगा बिल्कुल सही जवाब एकदम सब लोग सही सोच रहे हैं एक बार फिर से अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए फटाफट तो आप सभी सही सोच रहे हैं कि अगर हाथी के ऊपर एक मच्छर बैठा हुआ है तो इससे हाथी के मास पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज़ मच्छर नेगलिजिबल है मास के टर्म्स में अरे भाई 4000 किलो का हाथी और 1 2 मिलीग्राम का मच्छर तो मच्छर बैठा भी है तो उससे क्या फर्क पड़ जा रहा है एक एक हाथी के ऊपर एक मच्छर बैठा बैठे तो ऐसा थोड़ी ना कि मच्छर को उड़ा दोगे तो वो चार हजार किलो का हाथी फिर दो हजार किलो का हो जाएगा तो मास ऑफ मच्छर इज ने इन कंपैरिजन टू मास ऑफ एलिफेंट ठीक तो उसी टाइप का कुछ लॉजिक आपको यहां पर भी लगाना है ठीक है न्यूक्लियॉन का एक न्यूक्लियन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से टेन थाउजेंड टाइम्स ज्यादा है दस हजार गुना थोड़ा मोड़ा नहीं ज्यादा है दस हजार गुना ज्यादा है लगभग मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन एंड मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन दिस वैल्यू इज लगभग लगभग टेन थाउजेंड टाइम्स मोर देन मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन तो मुद्दे की बात ये निकली ठीक है कि न्यूक्लियॉन अगर हाथी है तो इलेक्ट्रॉन उसके सामने मच्छर है और इलेक्ट्रॉन अगर उसके सामने मच्छर है तो मच्छर के मास को इग्नोर कर दिया जाता है और मच्छर के मास को इग्नोर कर दिया गया तो यहां से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख मिल रही है कि आगे से हम लोग एटम का मास कंसिडर करते समय एटम का मास कंसिडर करते समय सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियॉन्स का मास कंसिडर करेंगे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मास हम इग्नोर कर देंगे निगलेक्ट कर देंगे इस बात का ये मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रॉन है नहीं अरे इलेक्ट्रॉन तो है ही है इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो एटम का स्ट्रक्चर कैसे पूरा होगा लेकिन जब तक चर्चा जब तक चर्चा मास की हो रही है तब तक इलेक्ट्रॉन्स के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है वी नीड नॉट बॉर्डर आर सेल्स रिगार्डिंग द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेन वी आर कंसिडरिंग द मास ऑफ एटम तो आओ बच्चों इसी बात को हम लोग नोट करते हैं अपनी अपनी नोटबुक्स में क्या नोट करते हैं द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी कैन बी निगलेक्टेड द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी निग्लेक्टेड वेन राइटिंग द मास ऑफ एटम वेन राइटिंग द मास ऑफ एटम तो ये एक बहुत काम की चीज सीखने को मिली जो आज से लेकर के जब तक केमिस्ट्री में आपको पढ़ाता रहूंगा तब तक कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं, कहीं यूज होती रहेगी द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी निग्लेक्टेड वेन राइटिंग द मास ऑफ एटम तो हमें किसके बारे में चिंता करनी है सिर्फ हाथी के बारे में ये उसके सामने मच्छर है तो इसका मांस हम जोड़े चाहे नहीं जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ता है फर्क नहीं पड़ता है तो खुशी इसी में है ना कि नहीं जोड़े मच्छर उड़ा करके फिर से हाथी को चढ़ा करके दोबारा रीडिंग लें और वही रीडिंग आए तो फालतू मेहनत करने का शौक किसी को नहीं है तो मच्छर वाले के साथ ही मान लेते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक इतनी सी बात है तो इसको सब लोग नोट करो जल्दी तो आर को सिंप्लीफाई करते हैं अब तो देखिए तो हमने ये बात कर ली कि हमको सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियॉन्स का मास लेना है ठीक है सिर्फ न्यूक्लियॉन्स का मास लेना है तो एक बार मैं फिर से आर की डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं तुम्हें तो लिखने की जरूरत नहीं है है ना मास ऑफ जल्दी से लिख दे रहा हूं वन एटम ऑफ एलिमेंट समझ लेना खुद से है ना क्योंकि तो मालूम ही है मास ऑफ वन एटम मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन ठीक है अब हमको जब एलिमेंट के किसी भी किसी भी एलिमेंट के एटम का मास दिखना है तो हमको करना है ओनली द मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स ठीक है अच्छा इसमें जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं अब ये कितने न्यूक्लियॉन्स हैं ये तो अलग अलग एटम के लिए अलग अलग होता है लेकिन जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं उन सब का मास सेम होगा ठीक है एक और मैं तुमसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं बड़ा ही लॉजिकल ठीक है सोच के बताओ क्वेश्चन ये है कि मान लो एक क्लासरूम में पचास बच्चे हैं ठीक है हर बच्चे का मास सेम है हर बच्चे का मास सेम है मुझे क्लासरूम का टोटल मास लिखना है टोटल मास तो क्या मैं एक एक बच्चे का मास इंडिविजुअली जोड़ू मास ऑफ राम प्लस मास ऑफ श्याम प्लस मास ऑफ घनश्याम प्लस मास ऑफ सुरेश क्या एक-एक बच्चे का मास इंडिविजुअली जोड़ूं या कोई और स्मार्टर अप्रोच हो सकती है कोई फास्टर तरीका हो सकता है एगो के एगो के भार में 50 से गुना करके बिल्कुल 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 चलो वेरी गुड सब लोग मेरी बात को समझ गए फिर से ऑडियो को ऑफ कर लो ठीक है तो मैं ये कहने जा रहा हूं कि अगर हर बच्चे का मास सेम है तो हम क्या करेंगे मास ऑफ वन स्टूडेंट इनटू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अब वो टोटल नंबर पचास है साठ है सौ है कितना भी हो सकता है अलग अलग क्लासरूम के लिए मास ऑफ वन स्टूडेंट इनटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो उसी तरह से एटम का मास लिखते समय यहां पर आ गए न्यूक्लियॉन्स और हर न्यूक्लियॉन का मास सेम है तो बस जैसे तुमने अभी स्टूडेंट बोला था वैसे ही वहां पर तुम न्यूक्लियॉन लिख दो मतलब कि मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन इंटू द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन इस तरह से किसी भी एटम का मास आज के बाद लिखा जाएगा मास ऑफ वन न्यू जैसे तुमने बोला ना बच्चों मास ऑफ वन स्टूडेंट इन टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तुमको यहां पर बोल देना है मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन एक न्यूक्लियॉन का मास इंटू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन इलेक्ट्रॉन का मास क्या हुआ वो तो पहले ही छोड़ दिए और न्यूक्लियॉन जितना है वो सारा का सारा सेम मास का है तो मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन इन टू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन इस तरह से हम लोग किसी भी एटम का आगे से मास लिखेंगे ठीक है <coughs> में क्या सॉरी में क्या था डिनोमिनेटर में था मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन तो मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग लिखेंगे अब हाइड्रोजन के एटम में तो हमें पता है ना कितने न्यूक्लियॉन है ठीक है भाई देखो ऊपर तो कोई भी जनरल एटम हो सकता है कोई भी एटम हो सकता है तो वहां पे हमने टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन लिख दिया लेकिन हाइड्रोजन का जो एटम है उसमें हम सब लोग जानते हैं हाइड्रोजन के एटम में हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में जैसे मान लो अगर ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में क्या होता है एक प्रोटॉन होता है बस <स्याँग> तो एक प्रोटॉन को हम लोग एक न्यूक्लियॉन भी तो कह सकते हैं जैसे क्लासरूम में एक लड़का है तो वन स्टूडेंट बोला जा सकता है तो हाइड्रोजन आइटम के लिए यहाँ पे क्या आएगा बताओ मास ऑफ वन न्यूक्लियन इनटू बोलो क्या लिखे यहाँ पे 1.66 पॉइंट सिक्स इंटू यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियन डालना है ना अरे किसी भी मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट वन 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 लिखेंगे ना बस और क्या अरे नंबर ऑफ न्यूक्लियन लिखना है तो जो हाइड्रोजन का एटम है उसमें एक ही तो न्यूक्लियन है तो मासन इंटू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन इतनी बात समझ गए तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन हाइड्रोजन में कितना है वन है तो हाइड्रोजन में वन है तो वन पुट कर दिया मैंने बस इतनी सी बात है तो अब क्या हुआ मास ऑफ वन न्यूक्लियन मास ऑफ वन न्यूक्लियन कैंसिल आउट हो गया और ये हमारे पास आरएम की डेफिनेशन आ गई क्या टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ठीक है तो आर एम क्या है आर एम इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की संख्या ये हमको आगे से याद रखना है कि आर एम क्या होता है टोटल नंबर ऑफ है ठीक है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें कुछ एटम्स की तो इसको मैं हटा दे रहा हूं ये तो ऐसे मैंने समझाने के लिए बताया था ऑडियो ऑफ कर लो तो अगर मैं कुछ एटम्स की अगर बात करूं तो फॉर एग्जाम्पल जैसे बच्चों आ, हीलियम, तो ही हीलियम आर एम चार है इसका मतलब हीलियम के न्यूक्लियस में चार ठीक है? थीके? लिथियम का आरएम सात है इसका मतलब लिथियम के न्यूक्लियस में सेवन न्यूक्लियॉन्स हैं कार्बन का बारह मतलब बारह न्यूक्लियॉन्स हैं नाइट्रोजन का है मतलब न्यूक्लियॉन्स हैं ऑक्सीजन का नाइनटीन है मतलब नाइनटीन न्यूक्लियॉन्स है ठीक है, मतलब है।, का 19 है, मतलब 19 है। तो किसी भी एटम का जो आर एम है वो हमें सिर्फ और सिर्फ टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बारे में बता रहा है ऑब्वियसली जब हीलियम का आर हम चार बोल रहे हैं मतलब इसमें चार न्यूक्लियॉन है तो इस चार में से ऑब्वियस सी बात है कि कुछ प्रोटॉन भी होंगे और कुछ न्यूट्रॉन भी होंगे लेकिन हमें उनसे मतलब नहीं है भाई चार न्यूक्लियॉन है जैसे किसी क्लासरूम में पचास बच्चे हैं तो पचास में कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं लेकिन फिलहाल हमें उनसे कोई मतलब नहीं चार न्यूक्लियॉन है बस तो चार में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों शामिल हैं

यूनिट नहीं है और हर एटम का अपना खुद का एक आरएम का वैल्यू होता है अगली क्लास में मैं आपको और भी बहुत सारे एटम्स के आरएम बताऊंगा लेकिन हमको ये याद नहीं करना है ठीक है तो आज की क्लास हम लोग इसी पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे